हैंडसम वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्या आपको पता है कि हमारी पैंट्स में ओवरऑल सारी पैंट्स में कितनी टाइप्स की पॉकेट होती हैं और कौन सी पॉकेट का क्या असल में मकसद होता है? क्या आपको पता है कि कौन सी टी शर्ट आपको हैंग करनी चाहिए और कौन सी टी शर्ट आपको हैंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? और क्या आपको पता है कि अब आपको बेल्ट क्यों नहीं पहनना चाहिए? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे लाइफ हैक्स देखने वाले हैं, ऐसे डेली लाइफ हैक्स जो कि आपकी डेली रूटीन को बहुत ज्यादा आसान बना देगी। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, बिल्कुल फ्री एंड बिकम मोर हैंडसम। वीडियो करते हैं सर, लेट्स डू इट। सबसे पहले देखते हैं पैंट हैक्स के। अगर आप पैंट बाय करने जा रहे हैं तो आपको पॉकेट के हिसाब से अपनी पैंट लेनी है। आपने देखा होगा कि कुछ पॉकेट जो है वो खराब हो जाती है, यानी कि वो बैगी बैगी सी लगती है, उन पर जो स्टाइल होता है वो बड़ा खराब हो जाता है, वो फूल फूल जाती है, क्योंकि ना वो मोटी हो जाती है, आपकी पूरी ओवरऑल जो लुक है वो खराब कर देती है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ पॉकेट्स। सबसे पहले पॉकेट है वेस्टर्न पॉकेट। वेस्टर्न पॉकेट को हम हॉरिजॉन्टल पॉकेट भी कहते हैं। ये पॉकेट हमें ज्यादातर चीनोज और जीन्स में देखने को मिलती है और ये पॉकेट जो है वो कभी भी खराब नहीं होती, आपकी ओवरऑल जो लुक है वो हमेशा अच्छी रहती है पॉकेट। नंबर 2 पर है वर्टिकल पॉकेट। वर्टिकल पॉकेट ड्रेस पैंट में पाई जाती है। अगर आपकी ड्रेस पैंट सही तरह आपको फिट नहीं है तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, ये बाहर से इतना खड़ी खड़ी सी रहेंगी और आपको अनकंफर्टेबल बनाएंगे। एंड नंबर 3 पर आता है फ्रंट पॉकेट। फ्रंट पॉकेट हमारे चीनोज में, हमारे एक ड्रेस पैंट में पाई जाती है। ये फ्रंट पॉकेट जो होती है वो कभी भी खराब नहीं होती, यानी कि अगर आप जीन्स या कोई भी पैंट बाय करने जा रहे हैं तो आपको कभी भी वर्टिकल पॉकेट जो है वो बाय नहीं करनी चाहिए। वर्टिकल पॉकेट कुछ इस तरह की होती हैं जो कि आपके बाद में कुछ अक्से बाद जो है वो खराब हो जाती है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं हमारी शर्ट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब हम अपनी शर्ट्स को हैंग करते हैं तो वो खराब हो जाती है, या तो उनका ये जो राउंड गला होता है ये खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर यहाँ पर शोल्डर वाले टाइप से वो खराब हो जाती है या वो ज्यादा ढीली हो जाती है। तो देखें, जो कपड़ा वूवन होता है, जिसे हम ये कहेंगे जो स्ट्रेच वाला कपड़ा होता है, वो आपको कभी भी हैंग नहीं करना चाहिए। स्ट्रेच वाला कपड़ा हैंग करने से वो नीचे की तरफ लटक जाता है, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है और आपकी शोल्डर जो है वो खराब हो जाते हैं। नंबर 2 पर आपको कभी अपनी शर्ट को हैंगर में डालने के बाद कॉलर वाली जगह से नहीं निकालना, कॉलर ऐसे खींच के बिल्कुल भी नहीं निकालना, इससे आपका कॉलर जो है वो हमेशा खराब हो जाएगा। आपके ओवरऑल जो शर्ट में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो बिल्कुल खराब होने वाले हैं, बिल्कुल जाया होने वाले हैं। तो ये 2 मिस्टेक थी जो कि आपको टी शर्ट में नहीं करनी चाहिए, ये भी हैक भी है। नंबर 3 पर है कि अगर आप फ्री में अपने आउटफिट को थोड़ा इनहेंस करना चाहते हैं तो आपको अपने आउटफिट में जो है एक्सेसरीज ऐड करनी है। एक्सेसरीज से मेरा मतलब है कि आपको एक नाइस लुकिंग और डिसेंट सी वॉच पहननी है। अगर आप कैजुअल पहन रहे हैं तो आपको एक ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए या फिर एक लॉकेट भी आप पहन सकते हैं। ये आपकी आउटफिट को थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखाएगा, आम लोगों से थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा आपकी लुक को और आपको ज्यादा बेटर दिखा। नंबर 4 पर और सेकंड लास्ट पर हम बात करने वाले हैं कि आपको बेल्ट क्यों नहीं पहनना चाहिए। देखिए, जब हम पहले हमारी जो जीन्स थी हम बेल्ट पहना करते थे, लेकिन आजकल जो है वो बेल्ट का जो रिवाज है, बेल्ट का जो ट्रेंड है वो खत्म होता जा रहा है। तो आपको अपनी पैंट वो लेनी है जो कि आपको बेल्ट के बगैर अच्छी तरह फिट हो, ये आपको ज्यादा बेटर दिखाई, क्योंकि अब हर ओकेजन पर आप जो है वो बेल्ट पहन कर नहीं जा सकते। अगर आपको कोई चीनोज या फिर आपको कोई भी फॉर्मल पैंट या जीन्स अच्छी तरह से टाइट है तो जरूरी नहीं कि आप उस पर बेल्ट पहने, आप विदाउट बेल्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि लेस इज मोर, आप जितना कम इन्वेस्ट करेंगे अपने आउटफिट में, जितनी कम चीजें ऐड करेंगे वो हमेशा से आपको ज्यादा अच्छा दिखाएगा। हम सोचते हैं कि जितनी ऐड करो चीजें उतनी आपकी आउटफिट अच्छी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर आप सॉक्स पहनते हैं फुल वाली सॉक्स, तो आपको अब स्विच करना चाहिए हाफ सॉक्स या नो सॉक्स या लोफर सॉक्स पर, क्योंकि आजकल जो फुल सॉक्स है वो सिर्फ फॉर्मल शूज के साथ पहनी जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप नो सॉक्स या फिर लोफर सॉक्स या एंकल सॉक्स की तरफ स्विच कर लें। इसमें जो हम हैक देखने वाले हैं वो है कि मैची मैची, अब आपको मैची मैची वाला जो रूल है वो खत्म करना पड़ेगा। अब आपको अपने आउटफिट में कंट्रास्ट ऐड करना पड़ेगा। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर आपने ब्लैक जीन्स पहनी है तो आप इसका कंट्रास्ट रेड पहन ले शर्ट ऊपर, या फिर व्हाइट शर्ट पहन ले, ब्लू शर्ट पहन ले, लेकिन ब्लैक शर्ट नहीं पहननी, क्योंकि मैची मैची वाला ट्रेंड जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। तो अब आपको कंट्रास्ट पे स्विच करना चाहिए, जो कि आपके आउटफिट को हमेशा अपग्रेड रखेगा। आपको बहुत सारी आपको कलेक्शंस मिल जाएंगी, आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहननी चाहिए कंट्रास्ट में। आप सिंपल गूगल पे जो है सर्च कर सकते हैं कि आउटफिट विद ब्लैक जीन मैन, आपको कंप्लीट जो है वो बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगे कि आपको कौन सी आउटफिट पहननी चाहिए। तो हैंडसम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात समझ तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। मेरे लिए आपका एक कमेंट और आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।